हेलो नमस्ते गाइस। देखिए जो गुलदावरी के पौधा इतना सारे शूट निकलने के बाद जो फ्लावर आते हैं ना बहुत छोटे हो जाते, तो मैं क्या करूँगा इसकी मुझे जो टिप्स मिला है, मुझे जो करने के लिए बोला है बहुत ज़्यादा सब जगह एक्चुअली सारे प्लांट पे देखिए छोटे छोटे कली। हाँ दिस इज़ वेरी गुड, बट नहीं छोटा साइज ही रह जाएंगे ऐसे साइज़ के, जैसे ये वाला, इसको ये वाला हो गया ऑलरेडी, तो मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगा। कट करने के बाद जो भी पौधा में जो एक्चुअली क्या होते हैं, जब कोई पौधा फ्लावरिंग स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं, फ्लावरिंग के ऊपर उसके सीड बनाने के लिए उसको वो यू नो लाइक उसको प्रोड्यूस करने के लिए, सीड प्रोड्यूस करने के लिए उसको फोर्स करते हैं कि ऐसे आपको ग्रो करना। तो सारे जिस देखिए जितना भी फ्लावर आया है उसमें सारे बर्ड्स आए, तो मैं कुछ कुछ बर्ड्स को छोड़ दूंगा जो हेल्दी बर्ड्स है, और कुछ कुछ पौधे को मैं कुछ कुछ प्लांट की जो भी इसके जो वो हैं कलियां हैं वो उसको रहने दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं पिंचिंग। पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखिए ये जो छोटा वाला वो है ना, इसके कुछ नहीं हुआ है, तो मैं इसको ऐसे देखिए इसको निकाल दिया मैंने, तो ये छोटे छोटे फ्लावर को जो भी है जो हुआ नहीं है एक्चुअली, जो हो गया है उसको मैं छेड़ूंगा नहीं। तो देखिए जो भी देखिए इतना सारा मैंने तोड़ दिया अभी, तो दिस इज़ वेरी गुड टिप्स। आप लोग भी ट्राई कर सके जो जो घर पे जिस किसी घर पे वो लगा हुआ है, तो फ्लावर की क्वांटिटी ना बहुत ज़्यादा बढ़ के आएंगे, और जो भी पौधा आप लोग घर पे रख रहे हो उसके भी मतलब जो गुलदावरी के पौधा आप घर पे रख रहे हो ऐसे पिंचिंग करने के लिए, देखिए इतना सारा तोड़ लिया मैंने, तो इसको मैं अभी फेंक दूंगा ऐसे, तो और स्टार्ट करूँगा पिंचिंग, क्योंकि बहुत सारे फ्लावर मुझे चाहिए, बट कुछ कुछ फ्लावर मुझे बड़े भी चाहिए, तो बड़े करने के लिए इसको थोड़ा सा पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। जो 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 नर्सरी वाले होते हैं ना वो लोग आपको बताएंगे नहीं वाला टिप्स, क्योंकि अगर बता देंगे ना तो जो उनके फ्लावर के जो पॉट है वो बिकेंगे नहीं। तो देखिए इसको मैंने इतने तोड़ दिया एक्चुअली, और कुछ कुछ देखिए जो ये वाला है ना इसको ऐसे रहने देंगे, और जो छोटा एकदम हुआ नहीं मतलब जो एकदम निकल रहे हैं उसको तोड़ दीजिए, और जो देखिए ये वाला जो मैं तोड़ रहा हूँ इसको ऐसे निकाल दीजिए। और कुछ कुछ तोड़ने के मन भी नहीं कर रहा एक्चुअली, बहुत सारा है जो तोड़ना पड़ रहा है एक्चुअली। मैं कुछ कुछ प्लांट पे कर रहा हूँ, सारे प्लांट पे नहीं, बिकॉज सारे प्लांट पे करूँगा तो वो सारे प्लांट के लिए खाली खाली सा लगेंगे, और सेकेंड दैट की देखिए इसको भी मैं करूँगा इसमें, देखिए वाला बर्ड जो कली आ चुका है ये वाला कली है ना, इसको मैं छेड़ूंगा नहीं ऐसे, क्योंकि अगर छेड़ दूंगा ना जो जो बर्ड्स मतलब जो खुल गया है वो ऐसे रुक जाएंगे, तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं। देखिए छोटे छोटे जो एकदम छोटे छोटे जो है ऐसे छोटे छोटे देखिए ऐसे इसको निकाल दूंगा, कि इसमें जो भी कॉन्सेंट्रेट करे ना इसमें कॉन्सेंट्रेट, जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ाई करने के टाइम पे कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है कहीं कहीं, तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने इसको तोड़ रहा हूँ एक्चुअली। और कुछ कुछ प्लांट के जो फ्लावर है ना, तो मैं आज उसको वो भी करूँगा, पूजा के लिए लेके जाऊँगा, क्योंकि मुझे थोड़ा फूल भी चाहिए था आज। देखिए तोड़ दिया मैंने, इतने सारे तोड़ दिया मैंने, देखिए बहुत सारे तोड़ के फेंक दिया मैंने, अभी इसमें ना बहुत अच्छा बड़े बड़े फ्लावर निकलेंगे। जो फ्लावर की क्वांटिटी होते ना, देखिए इसको तोड़ दिया मैंने, तोड़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ प्लांट के मैं छेड़ूंगा नहीं, ऐसे रहने दूंगा है ना, और कुछ कुछ प्लांट के मैं देखिए एक वाला जो है ना इसमें पूरा खिल गया एक्चुअली सारे पौधा के, देखिए इसमें जो हो गया इसमें सारे आ गया ऑलरेडी, तो एक दो बर्ड जो नहीं खुला है उसको मैं तोड़ दूंगा ऐसे। जब तोड़ेंगे ना तो फ्लावर इसके अच्छे आएंगे, फ्लावर बड़े बड़े फ्लावर निकलेंगे, जैसे मैं तो उसको तोड़ रहा हूँ, तोड़ दिया मैंने इसको, इसको भी तोड़ दिया मैंने, देखिए ऐसे बर्ड, हाँ फोकस कर पा रहे हैं, हाँ ऐसे जो बर्ड है इसको तोड़ के फेंक दीजिए, तो ये दिस इज़ अ गुड वेरी गुड नाइस एंड, क्योंकि पिंचिंग अगर देखिए जब सीड बनाने के लिए कोशिश करते हैं ना पौधा, तो वो पौधा सूखना स्टार्ट हो जाता है, तो अच्छा है कि पौधा ना मरे। इसको तोड़ूंगा नहीं, छोड़ दीजिए इसको, तो कुछ कुछ फ्लावर है जो मैं इसको ऐसे रखूँगा। सो दिस इज़ द वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।